नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। वापस आज का हमारा सेशन है कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ये वही प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या है? वायरस, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स सॉफ्टवेयर है कमर्शियल, ओपन सोर्स, हार्ड सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए पर क्लिक करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पर। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी अगर प्रेस करेंगे आप तो भी बोल्ड हो जाएगा, लेकिन बोल्ड तभी होगा जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल से जुड़ी होती है? इसका आंसर हो जाएगा अटैचमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चार ऑप्शन है, सर्फिंग, चैटिंग, ईमेल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैटिंग। किसी भी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को चैटिंग कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी टोपोलॉजी जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ी होती है उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहते हैं जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा पर। कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट में। अगर आपने हमारा कंप्यूटर का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बीट्स के बारे में समझाया है और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं।